हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? बस लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहा है। सो गाइस, आज का वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि गाइस हमारा इंडिया सर्वर में बहुत ही जल्दी गेम के अंदर अपडेट आने वाला है। गाइस आप लोग कैसे अपडेट करोगे, अपडेट का बाद आप लोगों को क्या कुछ नया आइटम्स देखने को मिलेगा, उसके ऊपर फुल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस हमारा गेम के अंदर जो रमजान पास इवेंट आने वाला था, उसका डेट चेंज हो चुका है। वो इवेंट कब आने वाला है वो भी मैं बता दूंगा। बाकी गाइस बहुत सारा छोटे मोटे अपडेट्स रहने वाला है। तो गाइस आज का वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो का लास्ट में जरूर से जरूर एक लाइक कर देना। फिलहाल गाइस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात करते हैं OB34 अपडेट के ऊपर। गाइस कारण में गेम के अंदर OB33 अपडेट चल रहा है, भले ही गाइस हमारा इंडिया सर्वर में ना आए, बाकी गाइस जो आइटम्स वगैरह है इवेंट का वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। गाइस हमारा OB34 अपडेट में आप लोगों को एकदम सा न्यू एक पेरंग का स्किन देखने को मिलेगा। बेसिकली गाइस फ्री फायर का जो बांग्लादेश सर्वर है उसका फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम ऑफिशियल हैंडल पे ये वाला पोस्ट डाला है, जिधर बताया गया है कि उन लोगों का जो फेसबुक पेज है उस वाला पोस्ट के अंदर उन लोगों को रिएक्ट करना पड़ेगा। जिस वाला स्किन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट आएगा वो वाला स्किन हमारा गेम के अंदर OB34 अपडेट में लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली मैं जो फेसबुक पेज में जाके देखा कि जो बीच वाला स्किन है, मतलब जिसमें लाइक बना है, ये वाला स्किन आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि गाइस बांग्लादेश का जो ऑडियंस है ये मोस्ट ऑफ पब्लिक इसके ऊपर ही वोट किया है। मैं जब ये वाला पोस्ट को देखा था तब ये वाला पोस्ट के अंदर गाइस 2000 लाइक आया था, 500 हार्ट आया था एंड गाइस 400 लाफिंग इमोजी आया था। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि बीच वाला स्किन आप लोगों को OB34 अपडेट में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस बात करते हैं OB34 अपडेट में आने वाला एकदम सा न्यू एक वेपन के ऊपर। गाइस ऐसा लीक्स निकल के आ रहा है कि आप लोगों को OB34 अपडेट में एकदम सा न्यू एक मिली वेपन देखने को मिलेगा। मिली वेपन बेसिकली क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो पेन, पेरंग, बैट का स्किन होता है, काटाना का स्किन होता है, ऐसे ही आप लोगों को एक स्किन देखने को मिलेगा। बेसिकली ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर ही मिला है, बेसिकली फोटो आप लोग देख सकते हो। बाकी गाइस ऐसा कुछ वेपन आप लोगों को OB34 अपडेट में देखने को मिल जाएगा। अभी गाइस बात करते हैं गेम के अंदर आने वाला छोटे मोटे बहुत सारा अपडेट्स के ऊपर। गाइस आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक फ्री का इवेंट देखने को मिलेगा, जिसका नाम होने वाला है बीस्ट रन इवेंट, जो बेसिकली एक वेब इवेंट होने वाला है इंडिया बांग्लादेश सर्वर में आने वाला है 23rd of April, जिसके अंदर गाइस आप लोगों को ए वाला लेजेंडरी पेरंग बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। रैम्पेज इवेंट के दौरान आप लोगों को फ्री में मिला था, अगेन आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के ऊपर, तो बांग्लादेश सर्वर के लिए भी ये टॉप अप इवेंट कंफर्म हो चुका है, जिधर गाइस आप लोगों को 100 डायमंड टॉप अप करने का बाद एक लेजेंडरी बाइक का स्किन, 300 डायमंड टॉप अप करने का बाद रमजान इवेंट स्पेशल एक लेजेंडरी इमोट आप लोगों को मिलने वाला है। रिव्यू आप लोग देख सकते हो, मैं पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूं जो इमोट का प्राइस है ये बढ़ सकता है, बट अभी तो कंफर्म नहीं हुआ। फिलहाल जान लो 300 डायमंड का टॉप अप में ही आप लोगों को ये इमोट मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट वेपन रॉयल के ऊपर। कारण में गाइस हमारा इंडिया सर्वर में AUG का एक लेजेंडरी गन स्किन चल रहा है, बट गाइस आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर बेसिकली इंडिया बांग्लादेश बोथ सर्वर के अंदर एक M14 का लेजेंडरी स्किन देखने को मिलेगा, जो बेसिकली बर्निंग लिली थीम के ऊपर बेस्ड है, जिसके एट्रीब्यूट कहते ही जहर है, जिसके अंदर आप लोगों को डबल डैमेज के साथ साथ एक्यूरेंसी सिंगल प्लस देखने को मिलेगा, मैगजीन सिंगल माइनस देखने को मिलेगा। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि जो वाला गन स्किन के अंदर मैगजीन माइनस होता है वो वाला गन स्किन सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। बाकी गाइस आपके ऊपर डिपेंड है, डबल डैमेज का स्किन है तो इजीली निकल सकते हो। बात करते हैं प्री ऑर्डर रिवॉर्ड के ऊपर। हमारा 28 ऑफ अप्रैल हमारा मे मंथ का इलाइट पास का प्री ऑर्डर गेम के अंदर आने वाला है। प्री
ऑर्डर अगर आप करते हो तो आप लोगों को एक लेजेंडरी बैकपैक देखने को मिलेगा, जिसका रिव्यू आप लोग देख सकते हो। बेसिकली ये वाला बैकपैक आप लोगों को 1000 डायमंड वेस्ट करने का बाद ही मिलेगा। गाइस बात करते हैं गेम के अंदर आने वाला एकदम सा न्यू एक मिनी अपडेट के ऊपर। अभी के टाइम में जैसे आप लोगों को बताया कि 28 अप्रैल गेम के अंदर मे मंथ का इलाइट पास का प्री ऑर्डर आने वाला है। बेसिकली गाइस मे मंथ का जो इलाइट पास है उसका जो प्री ऑर्डर रिवॉर्ड है उसका फाइल करंट में इंडिया वर्जन में है नहीं, और गाइस गैरिना को तो इलाइट पास देना ही होगा, इलाइट पास का प्री ऑर्डर भी देना ही होगा। उसी हिसाब से गाइस आप लोग को 28 अप्रैल का पहले ही गेम के अंदर एक मिनी अपडेट देखने को मिलेगा। लीक्स के अकॉर्डिंग गाइस बताया जा रहा है कि ये वाला मिनी अपडेट के द्वारा FFWS इवेंट का जो आइटम्स है वो गेम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। बाकी गाइस देखते हैं क्या निकल के आता है। एंड गाइस हमारा जो टोकन टावर इवेंट है 26 अप्रैल गेम के अंदर आने वाला है M1887 का, जिसका रिव्यू आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर लेजेंडरी काटाना के साथ साथ हमारा लेजेंडरी M1887 का स्किन देखने को मिलेगा। 3 टोकन नहीं बल्कि 5 टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा। बाहर का सर्वर में जो आया है उधर 5 टोकन ही देखने को मिल रहा है। एंड इतना अच्छा है गन स्किन, 3 टोकन में तो गैरिना नहीं देगा, तो आप लोगों को 5 टोकन ही कलेक्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं रमादान पास इवेंट के ऊपर। रमादान पास इवेंट का जो डेट है वो चेंज हो चुका है। आप लोग पहले देखे हो कि गेम के अंदर जो बैनर था वो उधर 29 अप्रैल लिखा गया था, उसका डेट चेंज करके 25 अप्रैल कर दिया। बेसिकली 25 अप्रैल के दिन आप लोग को रमादान पास इवेंट देखने को मिलेगा। बेसिकली गाइज आज का वीडियो के लिए ज्यादा तो नया इन्फॉर्मेशन नहीं था, कुछ पुराना इन्फॉर्मेशन एंड कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया। बाकी गाइज बात करते हैं कौन सा डिस्काउंट इवेंट आने वाला है। गाइज लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आप लोग को इसी मंथ के अंदर रमादान इवेंट स्पेशल मिस्ट्री शॉप इवेंट देखने को मिलेगा। मुझे तो अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिला, बाकी गाइज मैं कल का वीडियो में कन्फर्म बता दूंगा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज का वीडियो के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। आशा करता हूँ गाइज आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। गाइज अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो छोड़ के जाने से पहले छोटा सा एंड प्यारा सा एक कमेंट कर दो, क्योंकि गाइज आप लोग जितना सारा कमेंट करोगे तभी गाइज तुम्हारा इस भाई का वीडियो चलेगा। तो गाइज आज का वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा। खुद का ख्याल रखना, खुद का फैमिली का भी ख्याल रखना।